गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? तो आज हम लास्ट पार्ट पे आ गए। ये लेसन में हमें क्या क्या सीखा? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र, ये सब सीख लिया। बाकी लास्ट हमको सीखने का है, क्या सीखने का है बच्चों? ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र सीखने का है। और इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले आपको ग्रीन हाउस प्रभाव बताया था, बराबर। अब मैं सिखा रही हूँ एक और टॉपिक है, जिसमें है कहलाता है ओजोन की परत। अब आप जानते हो कि हमारे पास सूर्य की विकिरणें आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन ये जो सूर्य की विकिरण है हमारे तक आ रही है पर हमको नुकसान नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि सूर्य की किरणों की जो हानिकारक किरणें हैं, हानिकारक पैराबैंगनी किरणें, वो अल्ट्रावायलेट रेज, वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्यों? पता है क्या है? ओजोन जिसका सूत्र है, ओजोन का सूत्र है O3। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। तो ओजोन क्या करता है कि जो पैराबैंगनी किरणें हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे शरीर में त्वचा संबंधी रोग पैदा कर सकती है, तो उनको हमारे तक नहीं पहुंचने देता। समझो मैं खड़ी हूँ तो पूरे जो वातावरण में एक पूरी परत, एक लेयर, एक चद्दर किसकी आई हुई है? ओजोन की। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन आखिर करता क्या है, तो आप कहोगे कि ओजोन आपके पास सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज, या आप कह सकते हो कि सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को शोषित करता है और उसको हमारे शरीर तक पहुंचने नहीं देता। हमको पहुंचने देते तो हमको इससे क्या फायदा होता है? हमको कोई भी पैराबैंगनी किरणें करती क्या है? अगर वो हमारे शरीर तक आ जाए तो हमको त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, फसलों में नुकसान हो जाता है, कैंसर हो सकता है। तो उन सब से हमको कौन बचा रहा है? तो उन सब से हमको बचा रहा है ओजोन। कौन बचा रहा है? ओजोन। और परंतु हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज यानी क्रियाकलापों की वजह से हम लोग की प्रवृत्तियों की वजह से कुछ गैसेस ऐसी हैं जो वातावरण में फैलती जा रही हैं और वो परत में छिद्र पैदा कर रही है। परत में क्या कर रही है? छिद्र पैदा कर रही है। तो परत में अगर छिद्र पैदा हो जाएंगे तो कौन सी किरणें हमारे तक पहुंच जाएंगी? सूर्य की पैराबैंगनी किरणें। फिर उसमें से ओजोन भी हमारा रक्षण नहीं कर पाएगा। तो एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में ओजोन की परत पर छिद्र पाए गए हैं। आखिर ये छिद्र क्यों पाए गए? इस वजह से क्योंकि देखो हमें कितनी गर्मी हो रही है ना बच्चों। तो गर्मी ज्यादा होती है तो हम फ्रिज का भी इस्तेमाल करते हैं और एसी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रिज और एसी दोनों में से जो हानिकारक गैस निकल रही है उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? का नाम है क्लोरो नुकसान पहुंचाती है। तो आपको एग्जाम में कैसे
सूर्य की पराबैंगनी किरणों के सामने रक्षण कौन देता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों के सामने रक्षण देता है ओजोन। ठीक है, यहाँ ओजोन का कार्य पूछा जाए, ओजोन का कार्य है सूर्य की पराबैंगनी किरणों के सामने रक्षण देना, बराबर। और अभी हम नया टॉपिक सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, उसका नाम है ऑक्सीजन चक्र। जिस तरह से हमने जल चक्र सीखा, कार्बन चक्र सीखा और नाइट्रोजन चक्र सीखा, तो बाकी आखिरी ये टॉपिक है ऑक्सीजन चक्र। आप जानते हो कि पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। एक ऑक्सीजन ही ऐसा है कि जिसका उपयोग खाली श्वसन के लिए नहीं होता, परंतु इसी ऑक्सीजन का उपयोग धातु के ऑक्साइड बनाने में होता है, इसी का उपयोग दहन में भी। आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, हवा नहीं हो तो, और अगर एक मोमबत्ती रख दी जाए तो क्या वो जलेगी? मोमबत्ती थोड़ी देर चलेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी। जैसे आप बचपन में ही एक्सपेरिमेंट करते आए हो, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। एक ग्लास ले लो बराबर, उसके अंदर मोमबत्ती रख दो और उसको, या एक मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती ले लो, सोचो ये मोमबत्ती है, और इसके ऊपर ग्लास रख दो,
लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क है ऑक्सीजन चक्र करके आना, लिख लेना, और मैंने लेसन पूरा कर दिया है तो उसके प्रश्न उत्तर कर देना। ओके, बाय बाय।